कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच झारखंड के मजदूरों का हाल बेहाल है। कई राज्यों में फंसे झारखंड के 7,466 मजदूर अपने घर आने को बेताब हैं। ये आंकड़ा श्रम विभाग की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से मिला है, जहां पर अब तक 19,696 होम कॉल करके मजदूरों ने झारखंड लौटने की इच्छा जताई है। इसकी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अजला। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, लिहाजा झारखंड के कई ऐसे मजदूर जो कि दूसरे राज्यों में काम करते हैं अपने परिवार के पास नहीं आ सके, झारखंड नहीं लौट सके। लिहाजा लेबर डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड ने एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर कि दूसरे राज्यों के लेबर यानी कि दूसरे राज्यों में जो लेबर काम करते हैं वो सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त मैं राज्य सचिवालय नेपाल हाउस के उसी कंट्रोल रूम में मौजूद हूं, जहां पर कि माइग्रेट लेबर के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक झारखंड के 7,466 मजदूर बाहर फंसे हुए, यानी कि ये आंकड़ा आने वाले दिनों में लगभग 8,00,000 के आसपास जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो फ़ोन कॉल आए हैं कंट्रोल रूम में मदद के लिए, यानी कि झारखंड के ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उन्होंने जो कंट्रोल रूम से झारखंड से मदद मांगी है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोन गुजरात से आए हैं। 2,038 फ़ोन कॉल्स गुजरात के लोगों ने किया है, 1,429 फ़ोन कॉल्स कर्नाटक के लोगों ने किया है, 1,662 फ़ोन तमिलनाडु के लोगों ने किया है और 1,062 तेलंगाना के लोगों ने किया है। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र से, यानी कि महाराष्ट्र में जो झारखंड के लेबर काम करते हैं, 3,461 फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्होंने मदद मांगी है। यदि उन्हें खाना पीना नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी सूचनाएं राज्य सरकार के पास यहां से भेजी जाती है, वो अपना पूरा डाटा देते हैं कि कहां है, क्या प्रॉब्लम है, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर उस डाटा के अनुसार जो भी है जहां से बिलोंग करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर उनको जो भी समस्या होती है या फिर खाने पीने की हो या फिर रहने की हो वो सारी चीज़ मुहैया कराएगी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें वो फंस गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ समान होने के बाद चीज़ें फिर से बेहतर होंगी और ऐसे मजदूरों को भी राहत मिल पाएगी। कैमरा से हृदय के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।